अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे। हमने उसमें पढ़ा हार्ट के बारे में, पढ़ा हार्ट का स्ट्रक्चर। उसके अलावा हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी जो कि हमारा पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ब्लड, ये तीन चीज़ें जो है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि हमारी डाइट किस तरीके से हमारे ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes, asthma. ये थ्री diseases हैं जो कि हम लोग अगर diet कुछ इस तरह की हमारी है जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को इफेक्ट हो रहा है, और इससे कौन सी diseases हो रही हैं, heart attack हो रहा है, blood pressure हो रहा है, diabetes हो रही है, asthma. अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ये diseases cause हो रही हैं। फर्स्ट वन है हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आपको सिर्फ हार्ट अटैक से टॉपिक नहीं आ सकता, आपको ऐसे भी आ सकता है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक को ही हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स। दीज सेल्स जस्ट लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। वो कह रहे हैं कि हमारे हार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, मसल सेल से, और जिस तरह हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और फूड की, हमारे हार्ट को भी इसकी ज़रूरत होती है। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कोल्ड कोरोनरी आर्टरीज। ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है अलहदा से, और इस लॉन्ग में भी आप इसको इंक्लूड करेंगे। तो क्या है कि जो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन और फूड हार्ट को सप्लाई करती हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। आपने आर्टरीज़ पढ़ा था कि ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से जो है वो ब्लड को अवे लेके जाती हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो अब जो ब्लड जो हार्ट है उसको भी तो ज़रूरत है ना ब्लड की, तो वहाँ पर सप्लाई कौन करेंगी, आर्टरीज़ करेंगी। अ हार्ट सब्सटेंस कॉल्ड प्लैक कैन बिल्ट अप इन द वॉल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरीज़। अब जो वो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर एक प्लैक, एक वो जैसे एंट्रेंस जो है वो बन जाती है, रुकावट हो जाती है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या होगा, दिस प्लैक इज़ मेड अप ऑफ फैट्स एंड अदर सेल्स, द कोरोनरी आर्टरीज मे बिकम नैरो ड्यू टू प्लैक। वो कह रहे हैं कि जो हार्ट सब्सटेंस जो कि वो रुकावट वहाँ पे जो उन आर्टरीज़ के अंदर होगी, आपने पढ़ा था कि आर्टरीज स्मॉल होती हैं, जैसे आपने कैपिलरीज पढ़ा कि वो इतनी ज़्यादा नैरो होती हैं कि उसमें जो रेड ब्लड सेल्स भी वन बाय वन उसमें से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनमें एक सब्सटेंस जिसको प्लैक बोलेंगे जो हिंड्रेंस क्रिएट होगी है, वो किसकी वजह से है, वो फैट्स और अदर सेल्स की वजह से। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है तो इससे भी ये प्लैक जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो होंगी उससे जो है वो नैरो हो जाएंगी, मतलब जब वो हिंड्रेंस आ जाएगी उसकी वजह से वहाँ से ब्लड पास करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सम टाइम अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द प्लैक एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। वो कह रहे हैं कि बाज़ों का जो फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, क्लॉट मतलब जो है जमना शुरू हो जाता है ब्लड, तो वो एक जो है वो ब्लड क्लॉट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है प्लैक के साथ, जिसकी वजह से वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ से ब्लड नहीं गुजर सकता। ड्यू टू दिस द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट, दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगन टू डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड अ हार्ट अटैक। वो कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो इस तरीके से फिर जब वहाँ पे ब्लड नहीं गुजर सकेगा, वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के उस पार्ट तक नहीं पहुँच सकेगा जो कोरोनरी आर्टरीज जिस हार्ट के जो है वो डिफरेंट पार्ट को जो सप्लाई कर रही है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन और फूड की शॉर्टेज हो जाएगा, लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, क्योंकि वहाँ पे उस पार्ट की जो है वो हार्ट के उस पार्ट की ऑलमोस्ट डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और ना फूड हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इफ़ टू मच हार्ट मसल्स डाई द हार्ट इज़ अनएबल टू पम्प द ब्लड एंड द पर्सन कुड डाई। वो कह रहे हैं कि ये कुछ पार्ट में हुआ, अगर वो पूरे बहुत ज़्यादा मसल्स हमारे डाई हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा हार्ट जो है वो ब्लड को पम्प नहीं करेगा, अनएबल हो जाएगा टू पम्प द ब्लड, और फिर पर्सन जो है वो डाई कर सकता है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट जो है वो इज़ नॉट इन वर्किंग तो हम लोग मर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ सिम्टम्स देखेंगे उसके क्या हैं, ये आपको लहदा से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन।
तो आप ये सिम्टम्स में भी बताएंगे। और जब आपको लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग में आप पूरा लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका बताएंगे कि हम कोरोनरी आर्टरीज क्या है, फिर प्लैक किस तरह क्रिएट हो रहा है, फिर हार्ट अटैक हो रहा है और फिर सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हैवी स्वेटिंग, ठीक है। ये आपने नॉर्मली अक्सर जो लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें ये आपने सिम्टम्स देखे होंगे, ठीक है। वाइल अ मेडिसन विच अ मेडिकल एमरजेंसी कॉल 112 अनदर एम्बुलेंस, ठीक है। तो आप एमरजेंसी पे इस पर कॉल करें, तो इसके बारे में आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं और इसको साथ साथ जो है वो याद करते रहें ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, एकदम से बहुत ज़्यादा याद ना करना पड़े, साथ साथ उसको अच्छे तरीके से याद करते जाएँ, ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको सेपरेटली लिखते जाएँ। अल्लाह।